तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप भी अपने जैसे आपका कीबोर्ड होता है तो उस पर आप कोई सी भी अपनी फ़ोटो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में अवेंजर्स की फ़ोटो अप्लाई करके दिखाई है। तो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बताते हैं प्रोसेस क्या है। तो गाइस अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से गूगल इंडी कीबोर्ड को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन जैसे ही आप गूगल इंडी कीबोर्ड को डाउनलोड कर लेंगे, आपको इसे ओपन करना है। जो जो भी पहले परमिशन मांगेगा उसको सबको अलाउ करते जाना है। उसके बाद जैसे गाइस सारे कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से आपको कोई सी भी शुरुआत में चूज़ कर लेनी है थीम। उसके बाद आपको जाना है कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सबमिट ऊपर एक थीम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई सारे मिलेंगे। आपको माई इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरे को मिल गया है। इसके बाद जैसे कि मैं इसे इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। एंड गाइस अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट ब्राइटनेस का। इससे होगा क्या कि अब जो है वो फ़ोटो को कितना क्लियर रखना है और कितना डार्कली रखना है उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस तरीके से, तो मैं इसे 80 तक रख लेता हूँ। डन डन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई हो चुका है। जैसे कि मैं जाता हूँ अपने नोट पैड में, तो ये देखिए गाइस ये काम कर रहा है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।